नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नर्मदा में गिरी यात्रियों से भरी बस, बता दें अब तक 13 की मौत हो चुकी है, वहीं 40 से ज्यादा यात्री सवार थे बस में। इंदौर के पास खलघाट में हुआ बड़ा हादसा, ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में चढ़ गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। गुजरात में एनसीपी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। बता दें बंगाल में बीजेपी और यूपी में एसपी को भी डर है, मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा इस पर फैसला। बता दें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग भी की गई है, अदालत में इस मामले पर पहले से ही सुनवाई चल रही है। स्कूल में बच्चों को नहीं दिया गया एडमिशन, आपको बता दें दबंगों ने प्रिंसिपल को लाठी डंडों से पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। आपको बता दें राजस्थान के भरतपुर में बच्चों को नहीं दिया जा रहा है स्कूल में एडमिशन। बांग्लादेश में दो दिनों तक जलता रहा हिंदुओं का घर, मंदिर तोड़ा, दुनिया ने साधी चुप्पी। आपको बता दें इस मामले में मोदी से गुहार लगाई गई है। पैगंबर पर कथित फेसबुक पोस्ट से भड़के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूटा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी न्यूज़ नेटवर्क।